पिछली क्लास में हमने श्री धाराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न भी हल किए थे। आज उसी तरह के हम प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस द्विघात समीकरण से ए बी सी के मान निकालें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी। ए बी सी के बाद मान निकालने के पश्चात उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व यानी कि वास्तविक है या काल्पनिक है, अगर वास्तविक है तो उनका अस्तित्व हो तो हम यहाँ देखेंगे कि इस द्विघात समीकरण के ए बी और सी का मान निकालने के बाद में हम देखें कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकाले तो हम देखेंगे कि बी का मान 4 का वर्ग माइनस 4, ए का 1, सी का 5, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 4 का 1 से 4, 5 का 1 से 20, 16 माइनस 20 माइनस के 4, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जो है वो माइनस 4 आया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू 0 से छोटी है, माइनस 4 है यानी 0 से कम है, ऋणात्मक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से कम हो तो हम कहते हैं मूल काल्पनिक होंगे, और मूल काल्पनिक होंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो इसी प्रकार यदि हम देखें कि हमारा एक प्रश्न है जो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, एक बट्टा एक्स माइनस एक बट्टा एक्स माइनस दो बराबर तीन, तो इसको हम हल करके पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लाएंगे और फिर उस द्विघात समीकरण के उसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं उसके आधार पर द्विघाती सूत्र की सहायता से उसका हल ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एक्स और एक्स माइनस दो, तो इनके x का एलसीएम में भाग देंगे, x और x माइनस दो का एक से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस दो, ये माइनस, और x माइनस दो से x माइनस दो कट जाएगा, x x का एक से मल्टीप्लाई होगा, x बराबर तीन। उसके बाद हम इसको पुनः थोड़ा हल कर लें कि x माइनस दो माइनस का x, x का x से x स्क्वायर माइनस x का दो से दो x बराबर तीन। तो यहाँ हम हल करें कि x प्लस का और माइनस का कट जाएंगे, इधर बच जाएगा माइनस के दो बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर तीन, और तीन के बट्टा में एक करके और वज्र गुणा करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू तीन का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो यहाँ से हम हल करें, माइनस टू बराबर तीन, एक्स स्क्वायर तीन का दो से होगा तो छः एक्स, और उसके बाद में हल करें तो माइनस दो का उधर पक्षांतरण कर दें तो इधर तीन एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स, दो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बराबर जीरो। तो इस प्रकार हमें एक इस समीकरण को हल करके हम एक द्विघात समीकरण लेके आ जाते हैं, और उस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर तीन, बी बराबर माइनस छः, सी बराबर दो। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद में हम इसके मूलों के अस्तित्व के बारे में देखें तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी का मान है माइनस छः का वर्ग माइनस फोर गुणा ए, ए की वैल्यू तीन गुणा सी, सी की वैल्यू दो। तो हम देखेंगे कि एक तीन, बी माइनस छः, सी दो, तो यहाँ से माइनस छः का वर्ग हो जाएगा 36, माइनस छः का वर्ग 36, माइनस चार का तीन से 12, 12 का दो से 24, चार का तीन से 12, 12 का दो से 24, 36 में से 6 में से 4 गए दो, 3 में से 2 गया 1, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, मूलों का अस्तित्व है। तो द्विघाती सूत्र
कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है, द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा 2a। तो यहाँ मान रख लेंगे माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस के 6, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हम पहले ज्ञात कर चुके हैं 12 बट्टा 2 गुणा a, a की वैल्यू हमारे पास में है 3, ये 3। उसके बाद हम इसको हल करें तो हम देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस और रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट 3 बट्टा 6। तो उसके बाद में हम इसको थोड़ा और इधर हल कर लें तो हम देखेंगे कि बराबर 6 और 2 के अंदर हम 2 कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। तो पहला x धनात्मक चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बट्टा 3, दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बट्टा 3। तो 3 प्लस रूट 3 बट्टा 3, 3 माइनस रूट 3 बट्टा 3 इस द्विघात समीकरण का हल है। इस प्रकार हम कोई भी प्रश्न अगर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है तो उसको हल करके द्विघात समीकरण में ए बी सी के मान निकालकर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से उसका अस्तित्व है या नहीं, या मूलों की प्रकृति हमसे पूछे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान ज्ञात करेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान यदि 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, 0 के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक तथा समान, लेकिन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से छोटा आ जाता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन 0, तो हम उस जैसे यहाँ ऋणात्मक है 0 से छोटा है तो मूल जो है वो काल्पनिक होते हैं। तो इस प्रकार हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मूलों की प्रकृति या ए बी सी का मान निकालकर द्विघाती सूत्र से उस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके बाद में इसी तरह के हम कुछ और प्रश्नों के बारे में देखते हैं कि जैसे हमारा एक प्रश्न है हम इसी तरह का एक प्रश्न लेते हैं कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 290 हो। ध्यान दीजिए ना, पुनः प्रश्न की तरफ ध्यान है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो यहां हमें देखना है कि क्रमागत यानी कि क्रम से विषम और धनात्मक और पूर्णांक संख्याएं 0 और उसके साथ में 1, 2, 3 धनात्मक, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, लेकिन यहां हमें कह रहा है ये धनात्मक, तो पूर्णांक संख्याएं जब धनात्मक होगी तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद में विषम, विषम के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी विषम पूर्णांक संख्या होगी उसकी क्रमागत यानी अगली जो संख्या होगी वो इसमें 2 जोड़ने पर आएगी। जैसे हम कहें कि हमारी विषम संख्या है 3, तो इसकी क्रमागत अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 5, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 के बाद में अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी? 2 जोड़ेंगे 7, यानी कि 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो हम लिख लेंगे इसका हल कि माना 2
क्रमागत विषम माना, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x और x प्लस दो है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी उसकी क्रमागत विषम संख्या जो है उस नंबर में दो जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगी। तो उसके बाद में हम देखेंगे, फिर हमें प्रश्नानुसार शर्त दे रखी है कि जिनके वर्गों का योग निभे हो, तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या जो x और x प्लस दो ली है इनके वर्गों का योग 200 निभे हो, तो x पहली संख्या x है तो x का वर्ग, दूसरी संख्या x प्लस दो है तो x प्लस दो का वर्ग जो होगा वो होगा 290। ये शर्त हमें प्रश्नानुसार प्रश्न में दे रखी है कि जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब इस को हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा कि x स्क्वायर प्लस x प्लस दो का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 का 2 से 4 x प्लस b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 290। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू x है तो x स्क्वायर प्लस 2ab 2, a की वैल्यू x, b की 2 तो 2 का 2 से 4 x प्लस b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 बराबर 290। यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 290 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो माइनस का 290 बराबर इधर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस बड़ी संख्या माइनस की है 290 में 4 गए 286 बराबर 0। अब यहाँ से हम देखें कि दो हम कॉमन ले सकते हैं तो समीकरण और थोड़ा सरल हो जाएगा, तो वैल्यू ज्ञात करने में आसान रहेगी। तो दो कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x में 2 कॉमन ले लिया तो पीछे 2x, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो पीछे बच जाएगा 143 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 बटे 2 हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमें प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार हमने उसको x और x प्लस 2 धनात्मक विषम पूर्णांक मानकर और उसको सॉल्व किया तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि बीच वाले पद के गुणनखंड करके टुकड़े करके इसको सॉल्व करें फैक्टर करके तो भी एक ही बात है, द्विघाती सूत्र ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात करके सॉल्व करें तो भी एक ही बात है, हम किसी भी तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्योंकि इसके फैक्टर आसानी से हो रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करना जिनको हल करने पर 2x आए गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए, तो हम लिख लेते हैं 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। वापस 13x माइनस 11x, 13x में 11x गए 2x और इनका गुणा करें तो प्लस माइनस माइनस 13 का 11 से 143, x का x से x स्क्वायर, बाह्य पदों का गुणा भी यही है 143 का x स्क्वायर से 143x स्क्वायर। तो इसको हम फिर हल करें तो हम देखेंगे कि x कॉमन ले लिया तो x प्लस 13, यहां से माइनस के 11 कॉमन ले लिया पीछे x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x प्लस 13 जो है वो दोबारा कॉमन ले लें तो इधर से x माइनस 11 इक्वल टू 0, दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है तो पहली स्थिति हो जाएगी x प्लस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस के 13, दूसरी स्थिति हो जाएगी x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो x बराबर 11। तो हमने जो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को x और x प्लस 2 माना था क्योंकि वो विषम धनात्मक पूर्णांक है इसलिए x की वैल्यू माइनस 13 हम नहीं ले सकते, तो हमारा उत्तर हो जाएगा x बराबर 11, तो एक हो जाएगी 11 और दूसरी 11 प्लस 2 13, तो हम लिखेंगे अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 11 और 13 है जिनके वर्गों का योग 290 है, कि 11 और 13 है जिनके वर्गों का योग 290 है क्योंकि 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग हो जाएगा 169, तो 9 और 1 10 0, 1 2 और 1 3 और 3 6 9, 1 और 1 2 290।
निभे, तो इस प्रकार हमारी दो कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी 11 और 13। तो इस प्रकार का प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है जिसमें प्रश्न लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में है, उसको हमें प्रश्न पढ़ के और उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें द्विघात समीकरण बनाना, और उस द्विघात समीकरण के बाद में हम यहाँ हमने गुणनखंड विधि से इसको समीकरण को हल किया है, हम इसको द्विघाती सूत्र कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -143 द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a की सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं। भागों में इस प्रकार 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना बड़े भाग के वर्ग का दो गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। हम इसका हल लिखें। प्रश्न हमें भाषा के रूप में दे रखा है, इसको प्रश्नों के अकॉर्डिंग हमें पहले द्विघात समीकरण और फिर उस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो हम यहाँ देखेंगे 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किए, यानी 16 को ऐसे दो भागों में बांटना है, वापस उनको जोड़ेंगे तो 16 है, जैसे एक भाग 10 है तो दूसरा 6, एक 9 है तो दूसरा 7। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि उसमें 16 के दो भाग करेंगे, एक भाग बड़ा होगा एक छोटा होगा, जैसे एक भाग 10 है दूसरा 6 है तो 10 बड़ा है 6 छोटा है। तो 16 को दो इस प्रकार भागों में विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना, अब बड़ा भाग कौन सा होगा, 10 होगा, 9 होगा या क्या होगा वो हमें पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे माना बड़ा भाग x और छोटा भाग मान लिया, दोनों 16 है, 16 को दो भागों में बांटना, एक x है तो पीछे कितना बचेगा 16 माइनस x की बड़ा भाग x छोटा भाग 16 माइनस x। अब हम देखेंगे कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग, अब प्रश्न अनुसार हमें शर्त दे रखी है, बड़े भाग का वर्ग, बड़ा भाग x है इसका वर्ग होगा x स्क्वायर, इस x स्क्वायर का दो गुना, करें, छोटे भाग के वर्ग से 100 अधिक है, यानी कि इसमें से यदि छोटा भाग घटा लें तो बड़े भाग के वर्ग के दो गुना करने पर उसका जो मान आएगा वो छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी कि इसमें से छोटे भाग का वर्ग घटा दें तो पीछे बचेगा 164। और इसको हल करके हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है और उस द्विघात समीकरण को फिर हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 2x² माइनस, पहले यहाँ पर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 16 का वर्ग माइनस 2 गुणा ए 16 गुणा बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 164। उसके बाद में हम देखें कि 2x² माइनस 16 का वर्ग हो जाएगा 256 माइनस 16 दूनी 32x प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पद का इधर ट्रांसफर बाद में कर लेंगे, पहले अभी यूं ही लिख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आगे 2x² माइनस 256 माइनस माइनस प्लस का 32x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस 164 बराबर 0। थोड़ा और हल कर लें, 2x² प्लस 32x और ये हो जाएगा माइनस के 256 और माइनस के 164 माइनस के 400, 2x² में से x² गया पीछे बचा x²
बत्तीस एक्स और 256 और 6 और 4 बस का 0 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2, 1 2 और 1 3 420 बराबर 0। तो हमने इस द्विघात समीकरण को 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया पीछे बचा x स्क्वायर, ये 32x, 256 और 164 हो गया माइनस के 420। अब यहां हम देखेंगे कि इसको हल करने के लिए हम या तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके, या गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी फैक्टर हम आसानी से कर सकते हैं। 32x के ऐसे दो फैक्टर करने जिनका गुणा करने पर माइनस 420x स्क्वायर आए और हल करने पर 32x आए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 42x माइनस का 10x माइनस 420 बराबर 0। तो हम यहाँ देखेंगे कि 42x में से 10x के पीछे बचे 32x, गुणा करें तो 42 का प्लस माइनस माइनस 42 का 10 से 420 x का x स्क्वायर, बाह्य पदों का भी माइनस 420 का x स्क्वायर से। तो यहाँ हम देखेंगे x कॉमन, पीछे x प्लस 42 माइनस का 10 कॉमन, तो x प्लस 42 बराबर 0, तो x प्लस 42 तो x माइनस 10 बराबर 0। तो यहां से पहली स्थिति x प्लस 42 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 42। सेकंड कंडीशन x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10, यानी कि हमने जो बड़ा भाग x माना था वो माइनस 42 तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए माइनस में नहीं है, तो हम यहां ले सकते हैं 10, तो x बड़ा भाग हो जाएगा 10, तो छोटा भाग 16 माइनस 10 6, यानी कि बड़ा भाग x बराबर 10 और छोटा भाग 16 माइनस 10 बराबर 6। तो 16 के दो भाग इस प्रकार विभाजित करने थे, वो भाग आ गए 10 और 6। अब देखिए यहां से हम यदि जांच करें कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना, बड़ा भाग 10 है, 10 का वर्ग 100, 100 का दो गुना 200 में से छोटे भाग का वर्ग 6 का वर्ग 36 घटाने पर कितना आएगा 164, यानी कि बड़े भाग के वर्ग के दो गुने जो है उसमें से छोटे भाग का वर्ग का जो है वो 164 अधिक है। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न से हमें द्विघात समीकरण बना के और इस प्रकार हम आसानी से हल कर सकते हैं। कल की क्लास में हम इसी द्विघात समीकरण से मूलों की प्रकृति, और यदि मूलों की प्रकृति हमें शर्त दे रखी हो और उसमें कोई अज्ञात के का मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार करते हैं, तो कल की क्लास में हम मूलों की प्रकृति और उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।